आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात, काम की बात का शुभ मुहूर्त कब होगा? जेडीयू कोई पार्टी नहीं है साथी, वो एक पॉकेट का गैंग है। एकदम लाखों लोग, करोड़ों लोग, देश में करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखने का काम करेंगे। तो आज मन की बात में कम से कम ये 6 परिवार जो आपके हैं, आपके समर्थक थे, उनके लिए किए गए काम के संबंध में आज ब्यौरा जरूर प्रस्तुत करेंगे। और अब देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात का 100वें एपिसोड जारी किया, जिसे पूरे देश ने सुना। 100वें एपिसोड को लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां भी की गई, तो वहीं अब इसको लेकर बिहार में बवाल शुरू हो चुका है, जहां बिहार के राजनीतिक गलियारे की सरगर्मी बढ़ गई है। और इस कड़ी में जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो वादा याद दिलाया जो वादा उन्होंने साल 2013 में उन पीड़ित परिवारों से किया था, जिन पीड़ित परिवार के लोगों ने पटना के गांधी मैदान के बम ब्लास्ट में अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे में जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो वादा याद दिलाते हुए ये सवाल पूछा कि आखिरकार आपको वो वादा याद है भी या नहीं, आप उन्हें नौकरी कब देंगे, उनकी सहायता कब करेंगे, कम से कम 100वें एपिसोड में तो कुछ अच्छा कर जाइए। जदयू एमएलसी नीरज कुमार के बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी बेहद मुखर नजर आए, जहां उन्होंने जदयू को पार्टी नहीं बल्कि पॉकेट का गैंग बता दिया। सम्राट चौधरी पूरी तरीके से जदयू पर हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले आप जदयू एमएलसी नीरज कुमार की बातों को सुनिए और फिर इसके उपलक्ष्य में बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किस प्रकार जवाब दिया है वो भी सुनिए। जेडीयू कोई पार्टी नहीं है साथी, वो एक पॉकेट का गैंग है। पॉकेट के गैंग पर बहुत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। एकदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 के पार जाने वाली स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जो लोग घूम रहे हैं उनको घूमने दीजिए, चाय नाश्ता करने दीजिए, बिहार सरकार के पैसे पर दूसरे राज्य में जाकर राजनीति करने दीजिए। एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, 26,000 बिहार में केंद्र पर आज लोग एकदम लाखों लोग, करोड़ों लोग, देश में करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात, काम की बात का शुभ मुहूर्त कब होगा? आपके दल के कार्यकर्ता और समर्थक जब गांधी मैदान में 2013 में आतंकी घटना में मारे गए थे और आतंकी तत्कालीन भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार हुआ था, आपने वायदा किया था और कहा था भरत रजक एवं बिंदेश्वरी चौधरी जैसे परिवार को, अन्य 4 परिवार को कि आपकी परवरिश करेंगे, नौकरी देंगे। तो आज मन की बात में कम से कम ये 6 परिवार जो आपके हैं, आपके समर्थक थे, उनके लिए किए गए काम के संबंध में आज ब्यौरा जरूर प्रस्तुत करेंगे।